हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल SS क्रिएशन एंड फिटनेस। आज का ये टॉपिक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बेसिक नॉलेज है ये, जो कि आप सभी को पता ही होगा। विच इक्विपमेंट कैरीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और वर्कआउट इन अ जिम। ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ थिंग जो हमें वर्कआउट के दौरान लगेंगी या वर्कआउट के दौरान हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेंगी, वो चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में लेंगे। वीडियो अंत तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। सबसे पहले थिंग जो है हमें जिम जाने के लिए लगेंगी वो है बैग। बैग एक तो जिम बैग होनी चाहिए या तो फिर स्कूल बैग। आप बोलोगे सबसे पहले बैग ही क्यों? तो जो सामान, जो चीज़ें हमें लगने वाली है वो सब बैग में तो हम कैरी करेंगे, इसके लिए बैग ज़रूरी है। अगर बैग नहीं होगी तो आप जो चीज़ें कैरी करेंगे वो हाथ में तो नहीं ले जा सकते। सो इसी रीज़न के वजह से बैग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग है जो जिम जाने के लिए लगेगी। उसके बाद आता है जिम टी शर्ट। अभी आप बोलोगे कि जिम टी शर्ट तो हम घर से ही पहन के जाते, तो एक अलग से जिम टी शर्ट क्यों लगेगा? हम जो टी शर्ट पहनते हैं वर्कआउट के दौरान वो पसीने से या स्वेट से भीग जाती है। उससे होता क्या है, अपने टी शर्ट की एक तो बैड स्मेल आती है या तो फिर स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी रीज़न से एक एक्स्ट्रा टी शर्ट फॉर जिम वर्कआउट कैरी करना चाहिए। वो आपकी चॉइस है, आप करेंगे या ना करेंगे, मेरा काम था बताना। उसके बाद आता है नैपकिन। कॉमन बात है, एक्सरसाइज करते हुए सभी को स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग को साफ़ करने के लिए, स्वेटिंग को क्लीन करने के लिए नैपकिन ज़रूरी है, इसीलिए नैपकिन कैरी करना। उसके बाद आता है आपका शेकर। वर्कआउट के दौरान आप क्या लेते हो, एनर्जी ड्रिंक लेते हो या प्रोटीन लेते हो, उसके लिए आपको शेकर ज़रूरी है। देन आते हैं अपने सप्लीमेंट, जो भी आप प्री वर्कआउट लेते हो, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हो या प्रोटीन लेते हो, वो भी आपको लगेगा, वो भी आपने कैरी करना है आपकी नीड के हिसाब से। जो कुछ भी चीज़ें आपको वर्कआउट के दौरान लगेगी वो अपने बैग में कैरी करना है। उसी के साथ आपको लगेगा जिम ग्लव्स का एक पेयर और रिस्ट सपोर्टर, रिस्ट बैंडेज, हैंड ग्लव्स जो कि आपके हैंड की जो स्किन है उसका हार्डनिंग होने से बचाता है, और रिस्ट बैंडेज हैवी वेट उठाने में मदद करता है। अगर आप हैवी वेट लिफ्टर हो, आप हैवी वेट लिफ्ट करते हो, तो आपका एक अलग से वेट लिफ्टिंग का जिम बेल्ट मिलता है, वो भी आप कैरी कर सकते हैं। वैसे तो वो बेल्ट जिम में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, इसी के कारण आप अपना खुद का एक वेट लिफ्टिंग का बेल्ट कैरी कर सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। उसी के साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही नए नए अमेजिंग वीडियो आते रहेंगे। अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करना।